इलेक्शन को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इसमें कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल संघ का समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से EWS के 10% आरक्षण पर हमला बोला है। उन्होंने एस जनसभा को संबोधित करते हुए EWS के 10% आरक्षण का जिक्र किया और बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला 10% EWS के रूप में हुआ है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला 10% EWS के रूप में हुआ है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब EWS के 10% आरक्षण लागू किया गया तो हमारे पूर्व के दलों ने उस वक्त इसका साथ दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इस पर सबसे बड़ा हमला कब हुआ, जब 10% EWS के रूप में लागू हुआ। हमारे पूर्व दलों ने उस वक्त इसका साथ दिया, जबकि वो आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपनी आवाज को उठाया होता तो इसका विरोध किया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो दोबारा आरक्षण पर हमले के बारे में सोच लेता। सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी चंद्रशेखर ने इस संदर्भ में लिखा। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने बहुजन समाज पार्टी की एकता का जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर से साबित हो गया है हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। इनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। नगीना सांसद ने लिखा कि सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। ये बयान तब सामने आ रहा है जब दिल्ली के अंदर अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है और दिल्ली में किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या आरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।